हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि अच्छे ही हो गए। तो दोस्तों, ठंडी की मौसम आ चुकी थी और सुबह सुबह स्कूल जाते समय नहाने में बहुत ही ठंड लग रहा था। तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके थ्रू हम लोग पानी को गर्म कर सके। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं एक छोटा सा देसी जुगाड़ से एक वाटर हीटर बनाने वाला हूँ जिसके थ्रू पानी को गर्म कर सकेंगे और फिर नहा सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि इसे बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लकड़ी ले ली है और ये छोटा वायर और कुछ इस तरह सा एल्युमिनियम का वायर। इसके जगह पे आप आयरन का भी या फिर कोई भी मेटल का ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वायर को हमें ऐसे लंबा सा निकाल लेना है और इसके बीचों बीच से हमें कटिंग कर लेनी है। तभी मैं यहाँ पे इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इस वायर को बीचों बीच से कटिंग कर ली है। अब इस वायर को हमें इस वुड के ऊपर में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पे इसे रोटेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस बुड में इस दोनों वायर को यहाँ पे से थोड़े डिस्टेंस पे इसे रोटेट करके इसे अच्छी तरह से फिक्स कर दी है। और ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से अभी देखने में लग रहा है। तो वही मैं इसे थोड़ा सा और यहाँ पे इसे रिंग जैसा बना देता हूँ। इसके लिए हमें तो यहाँ पे हमने एक इस तरह से पंप ले लिया है और इसी में कुछ इस तरह से रोटेट करके जाना है। तो इसे यहाँ पे रोटेट करते हुए छोटा सा रिंग टाइप का बना देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कुछ रिंग टाइप का बना दिया है। ये अगर आप नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। अब हमें इस वायर को इसके कनेक्शन कर देना है और सिर्फ हमें ध्यान देना है कि ये दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे इस वायर को इसमें से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वायर को इससे कनेक्ट कर दिया है और देख सकते हैं कि किस तरह से देखने में किस तरह से लग रहा। ये बहुत ही शानदार देखने में लग रहा। तो चलिए अब इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि पानी किस तरह से धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर दिया है और ये 10 से 15 मिनट में बॉइलिंग पोजीशन पर चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इस पानी को गर्म करना सिर्फ प्लास्टिक का ही बकेट में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।